आशा पासवान अगर रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी है वो अगर हाजीपुर लड़ती है चिराग के खिलाफ तो क्या गुणागणित बैठेगा। आशा पासवान का जो लॉबिंग चल रहा है हाजीपुर में कि लड़े, जो ये कहा जा रहा है कि जदयू ये काम कर रही है, उसमें हो सकता है कि इंटरनली पशुपति कुमार परस का भी सपोर्ट हो। यहाँ लड़ाई हायरार्की की है, उत्तराधिकार का है। तो अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं तो आशा पासवान भी रामविलास पासवान की ही बेटी और बड़ी बेटी हैं। तो एक बड़ा लड़ाई इस बार हाजीपुर में देखने को मिल सकता है अगर आशा पासवान रामविलास पासवान की बेटी और चिराग पासवान रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी से जो है इनके बीच फाइट होता है। रामविलास पासवान हाजीपुर से सिर्फ नॉमिनेशन करते थे, सारा उनका एक एक बूथ तक का टोटल हिसाब किताब, जो भी लेन देन है, हम लेन देन बोल रहे हैं, उससे पशुपति कुमार पारस करते। और साधु पासवान के भी दुश्मन कौन? चिराग पासवान। पशुपति कुमार के भी दुश्मन कौन? चिराग पासवान। नीतीश कुमार के भी दुश्मन कौन? चिराग पासवान। चिराग ना सिर्फ डैमेज किए नीतीश कुमार को, रोज उनको कलेक्टिव तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय ही करते जा रहे हैं हर मुद्दे पर। चिराग पासवान का तेजस्वी से वैसा ही संबंध है जैसा रामविलास पासवान का लालू यादव से हुआ करता था। नीतीश कुमार को ना रामविलास सिंपति था और ना अब चिराग पासवान सिंपति है। चिराग पासवान तो दुश्मनी है नीतीश कुमार। महिला प्रत्याशी पासवान परिवार की ही, रामविलास पासवान की ही बेटी अगर लड़ती है तो उनके सामने चिराग थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन रीना पासवान अगर वहां से चुनाव लड़े तो वो कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब लड़ाई हो जाएगा रामविलास पासवान की बेटी वर्सेस रामविलास पासवान की पत्नी के। तो चिराग कहां से लड़ेंगे? जमुई से। तो जमुई को लेकर भी क्या कोई फील्डिंग सजाई जा रही है? अगर वो जमुई लड़ेंगे तो हो सकता है कि आशा पासवान जमुई ही लड़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही खार खाए हुए हैं। 2020 से ही नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका है कि जदयू, जो कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होती थी बीजेपी के सामने, उसे वो छोटे भाई की भूमिका में ले आए और बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी बना दिए। और यही कारण है कि जदयू का पूरा प्रयास है, नीतीश कुमार का पूरा प्रयास है कि ये स्कोर सेटल किया जाए, बराबर किया जाए, और चिराग पासवान हाजीपुर से संसद नहीं पहुंच पाए। जबकि आपको बता दें कि चिराग पासवान का साफ कहना है कि हाजीपुर सीट हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो क्या रणनीति बना रहे हैं नीतीश कुमार? हाजीपुर जो कि लोजपा रामविलास का कहा जाए तो गढ़ है, तो वहां पर उनको घेरने की क्या रणनीति बन रही है? हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इनसे बात करेंगे। उदित, नीतीश कुमार स्कोर सेटल करना चाहते हैं, मीन्स 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए चिराग, तो 2024 के चुनाव में चिराग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं नीतीश कुमार। हाजीपुर की घेराबंदी होने की बातें चल रही है, क्या है ये घेराबंदी? देखिए, स्कोर सेटल नीतीश कुमार कई लोगों से करना चाहते हैं, उसमें पहले नंबर पे चिराग पासवान है, आरसीपी सिंह भी है। आपको क्या लगता है कि अगर आरसीपी सिंह बिहार के किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार थोड़े चाहेंगे कि वो जीते? उनके खिलाफ भी वो फील्डिंग करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एक नाम है जो बागी हुए और बड़ा नुकसान 2020 में ही करके दिखा चुके हैं नीतीश कुमार को। कल के उनके भाषण को सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का, साफ उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को 43 सीटों पर पहुंचाने में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान था। प्रशांत किशोर, जनसुराज जो कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे हैं। तो कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के हिट लिस्ट में हैं, लेकिन उसमें चिराग एक पहले नंबर पे है। कारण, चिराग ना सिर्फ डैमेज किए नीतीश कुमार को, रोज उनको कलेक्टिव तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय ही करते जा रहे हैं हर मुद्दे पर, हर बिजली बिल तक के मुद्दे पर धरना देने बैठ जाता है पार्टी लोजपा रामविलास। अब हाजीपुर का आप चर्चा कर रहे हैं, हाजीपुर इमरजेंसी के पहले तक, मतलब 75 के पहले तक हाजीपुर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 1977 के जो विधान लोकसभा का चुनाव हुआ 77 में, तब से वहां पर जो खूटा गाड़े रामविलास पासवान, सो वो धरती छोड़ दिए, स्वर्गीय हो गए, तब तक उनका एक वर्चस्व वहां पर रहा। 19 में ही जो पारस जी जीते हैं, पारस जी बूथ मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, वोट तोड़ते जोड़ते अच्छा है, लेकिन नाम रामविलास का था इसीलिए वो जीते। तो 10 बार के लोकसभा में 8 बार सांसद बने रामविलास पासवान, और 2019 में उस सीट से पारस जी को बनवा दिए सांसद। अब इस बार का गुणागणित समझिए, इस बार ना पारस साथ में है चिराग पासवान के, और ना ही तो नीतीश कुमार साथ में। लेकिन इससे पहले एक और बात जोड़ेंगे, रामविलास पासवान हाजीपुर से जितना बार भी चुनाव लड़े हैं, चूंकि हाजीपुर का जातीय समीकरण कहता है कि सबसे अधिक वोट वहां पर यादवों का है, दूसरे नंबर पर राजपूत है, तीसरे नंबर पर पासवान है, और चौथे नंबर में मुसलमान है। मतलब अगर पहले और चौथे नंबर को आप देखिए तो एमओआई समीकरण बनता है। तो सवाल यह उठता है कि जीवन भर
लालू यादव के विरोध में राजनीति करने वाले रामविलास पासवान हाजीपुर कैसे जीत जाते थे, इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। 2020 का आप राघोपुर विधानसभा चुनाव याद कीजिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव हारे होते, सतीश कुमार भाजपा के प्रत्याशी थे और लोजपा से राकेश रोशन को खड़ा करते हैं चिराग पासवान, 25,000 के आसपास वोट राकेश रोशन ले आते हैं, वो 25,000 वोट किसका कटा, बीजेपी का कटा। अगर बीजेपी प्रत्याशी के सामने राकेश रोशन नहीं होते तो बीजेपी राघोपुर जीती होती और तेजस्वी यादव आज विधानसभा में भी नहीं पहुंचे होते। यही गुणा गणित लालू यादव के समय में भी रहता था। लालू यादव के समय में भी जो यादव थे इंटरनली लालू यादव रामविलास को सपोर्ट करके संसद पहुंचवा देते थे, क्योंकि विचारधारा एक था और कहा जाता है कि लालू यादव और रामविलास पासवान में मित्रता बहुत अच्छी हुआ करती थी। और उसी फॉर्मूले पर अभी चिराग पासवान भी काम कर रहे हैं। चिराग पासवान तेजस्वी के खिलाफ कहां बोलते हैं, चिराग पासवान का तेजस्वी से वैसा ही संबंध है जैसा रामविलास पासवान का लालू यादव से हुआ करता था। तो जो यादव वोटर्स हैं हाजीपुर के, वो बहुत ज्यादा डिसमेंटल या बहुत ज्यादा यार साथ में मुसलमान सिंपैथी रहेगा चिराग पासवान के प्रति, लेकिन पेज फंस रहा है कहीं और। तेजस्वी यादव को सिंपति हो सकता है चिराग पासवान से, लालू यादव को सिंपति होता था रामविलास पासवान से, नीतीश कुमार को ना रामविलास सिंपति था और ना अब चिराग पासवान से सिंपति है। चिराग पासवान से तो दुश्मनी है नीतीश कुमार की। अब अभी जो खबरें आ रही हैं, आप पिछले 15 दिनों से अगर चिराग के स्टेटमेंट को देखिए तो उसमें हाजीपुर को थोड़ा कम बोला जा रहा है, हाजीपुर शब्द का प्रयोग कम किया जा रहा है। पिछले 10-15 दिनों के अंदर चिराग के स्टेटमेंट में यह बदलाव आया है। और उसके पहले जमुई में दिया हुआ वो बयान कि मैं जवान होकर यहां पर आया हूं और बुजुर्ग होने तक इस लोकसभा क्षेत्र का जमुई का सेवा करना चाहता हूं। तो आखिरकार जो चिराग पासवान 5 जुलाई को इतना दावा ठोक रहे थे हाजीपुर पर, वो 10 दिन पहले से उनके सुर बदल क्यों गए, इसके पीछे का कारण जो अभी तक खबरें आई हैं, और ये बहुत बड़ा खबर हो सकता है क्योंकि हाजीपुर बहुत हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, मंत्री हैं पाराजी भाई, तो आशा पासवान जो है रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है उनकी बेटी है, जिनके पति साधु पासवान है जो राजद में आपको ये एक बड़े पद पे है, मतलब पार्टी में बड़े पद पे है साधु पासवान जो है, अभी याद नहीं आ रहा है। अब सोचिए कि ये आशा पासवान से बात चल रही है जदयू के कुछ शीर्ष नेताओं की, वो चाहते हैं कि आशा पासवान लड़े हाजीपुर। अब आशा पासवान अगर रामविलास पासवान की पहली पत्नी से जो बेटी है वो अगर हाजीपुर लड़ती है चिराग के खिलाफ तो क्या गुणा गणित बैठेगा, पहला चीज कि महिला है, दूसरा चीज रामविलास पासवान और उनकी पहली पत्नी जो है वो एक जाति से भी थी, ये फैक्टर चिराग के साथ नहीं आता है, तीसरा फैक्टर कि रामविलास पासवान की बड़ी बेटी है, मतलब उनके जीते भर में जब तक रामविलास पासवान रहे बहुत मान मनोबल रहा उनका, तो एक बड़ा लड़ाई इस बार हाजीपुर में देखने को मिल सकता है अगर आशा पासवान रामविलास पासवान की बेटी और चिराग पासवान रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी से जो है इनके बीच फाइट होता है। और नीतीश कुमार कतई नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान सिर्फ हाजीपुर नहीं किसी भी लोकसभा सीट से संसद पहुंचे, यही कारण है कि एक बार चिराग पासवान ये बात सोचने पर थोड़ा मजबूर जरूर हुए होंगे कि हाजीपुर से लड़ना क्या सेफ है, क्या हाजीपुर से, चूंकि देखिए एक बार समझिए तेजस्वी यादव भी अब आज के समय में या लालू यादव भी नीतीश कुमार के प्रेशर में है, वो भी खुलकर चिराग को इंटरनली भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी खुलकर इंटरनली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे चिराग, हालांकि दोनों परिवारों का संबंध बहुत अच्छा है चिराग और रामविलास और लालू फैमिली का, लेकिन बीच में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। उदित तो क्या लगता है कि हाजीपुर तो चिराग छोड़ेंगे नहीं, तो क्या अपने बदला अपनी माँ को वहां से खड़ा कर सकते हैं, और पशुपतिनाथ पारस का इसमें क्या भूमिका रहेगा इसके बाद, क्योंकि वो भी लगातार कह रहे हैं, कल तक उन्होंने कहा है कि हाजीपुर से मैं लड़ने जा रहा हूं। देखिए पारस कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग हाजीपुर लड़े, क्योंकि आशा पासवान अगर लड़ेंगी अगर चिराग आज हाजीपुर छोड़ दे तो हो सकता है कि जो सिचंदर राम 2019 में लड़े थे वहां से लोकसभा राधा पकड़ के पूर्व विधायक भी रहे हैं मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, वो फिर से हो सकता है कि उनको प्रत्याशी बना दिया जाए, क्योंकि हाजीपुर में कमजोर प्रत्याशी ही दिया जाता है, आप नोटिस कीजिएगा ये बात, कभी भी लालू यादव कमजोर प्रत्याशी ही देते रहे हैं रामविलास पासवान के खिलाफ हाजीपुर से, तो सिचंदर राम फिर लड़ जाएंगे, पारस जी निकल जाएंगे, क्योंकि पारस जी से कोई खास दुश्मनी नीतीश कुमार को नहीं है, तो हो सकता है, मेरा अपना अनुमान है कि आशा पासवान का जो लॉबिंग चल रहा है हाजीपुर में कि लड़े, जो ये कहा जा रहा है कि जदयू ये काम कर रही है, उसमें हो सकता है कि इंटरनली पशुपति कुमार पारस का भी सपोर्ट हो, क्योंकि पशुपति कुमार पारस और साधु पासवान के रिश्ते अच्छे हैं, आज भी वो पापा पापा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ससुर ही लगेंगे उनके, चचे ससुर लगेंगे,
तो उनका संबंध अच्छा है। और साधु पासवान के भी दुश्मन कौन? चिराग पासवान। पशुपति कुमार के भी दुश्मन कौन? चिराग पासवान। नीतीश कुमार के भी दुश्मन कौन? चिराग पासवान। तो जब सब राजनीतिक दुश्मन या पारिवारिक दुश्मन जैसा आप समझ लीजिए, तो ये जब सब दुश्मन एक साथ मिल जाएंगे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शायद इसी बात का आभास चिराग को हो गया था, क्योंकि जो जब खबर हम लोग तक पहुंचता है वो हाजीपुर छोड़ेंगे या फिर किसे? हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं चिराग पासवान। ये बात वो क्यों कहें कि मेरे पिता रामविलास पासवान भी चाहते थे कि रीना पासवान जो है वो लड़े हाजीपुर। ये बात इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर एक महिला प्रत्याशी पासवान परिवार की ही, रामविलास पासवान की ही बेटी अगर लड़ती है तो उनके सामने चिराग थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन रीना पासवान अगर वहां से चुनाव लड़े तो वो कमजोर नहीं पड़ेंगी, क्योंकि तब लड़ाई हो जाएगा रामविलास पासवान की बेटी वर्सेस रामविलास पासवान की पत्नी के बीच, तो वो फाइट थोड़ा सा हो सकता है। और तब इंटरनली जो है वो चिराग सेटिंग कर सकते हैं वोट को लेकर, क्योंकि देखिए चिराग का तजुर्बा आदेश जी अभी बहुत नहीं रहा है राजनीति में। एक होता है चुनाव लड़कर जीत जाना, 19 में वो चुनाव लड़े तो पारस जी थे उनके ऊपर, पारस जी थे चाहे रामविलास थे, बिना रामविलास के चुनाव होना है। बिना रामविलास के चुनाव कभी लड़ा नहीं है चिराग पासवान ने, लड़े तारापुर हार गए, कुछ और स्थान हारे, 2020 के चुनाव भी लड़े, 20 के चुनाव भी लड़कर, तो उनको अभी जीत का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो चिराग को नहीं है। और एक बार समझिए, जो वेयर हाउस बनता है जहां पर प्रत्याशियों माफ कीजिएगा वोटर्स में और बूथ एजेंट तक में जो एक नेटवर्किंग तैयार होता है, उसका एक्सपीरियंस अभी चिराग के पास नहीं है। और चिराग की पार्टी में कोई उस तरह का नेता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, पशुपति कुमार पारस कहा जाता है कि रामविलास पासवान हाजीपुर से सिर्फ नॉमिनेशन करते थे, सारा उनका एक एक बूथ तक का टोटल हिसाब किताब, जो भी लेन देन है, हम लेन देन बोल रहे हैं, वो सब पशुपति कुमार पारस करते हैं। तो पारस के पास एक्सपीरियंस तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, चिराग के पास नहीं है। लेकिन चिराग के पास जन समर्थन है जो पारस जी के साथ नहीं है, और उसी जन समर्थन के बदौलत चिराग दम भरते हैं, और सही दम है अगर देखा जाए तो। इतना बड़ा भीड़ जुटा लेना भी आज के सोशल मीडिया के युग में आसान बात नहीं, जो चिराग पासवान कर लेते हैं तो उनके साथ एक अलग फैक्टर है। हाजीपुर का तो हो गया, लेकिन अगर चिराग मानिए कि नीतीश कुमार ठाने हैं कि इन्हें संसद नहीं पहुंचने देना है, तो चिराग कहां से लड़ेंगे? जमुई से। तो जमुई को लेकर भी क्या कोई फील्डिंग सजाई जा रही है? अगर वो जमुई लड़ेंगे तो हो सकता है कैसा पासवान जमुई ही लड़ जाए। अच्छा, हो सकता है कैसा पासवान जमुई लड़ जाए, क्योंकि देखिए यहां लड़ाई हायरार्की की है, उत्तराधिकार का है। तो अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं तो आशा पासवान भी रामविलास पासवान की ही बेटी और बड़ी बेटी है, बड़ी मतलब उनकी कहा था ना कि ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री, तो बड़ी है। एक और ऑप्शन आता है, मान लीजिए कि हाजीपुर से ये रीना पासवान को खड़ा करते हैं चिराग पासवान अपनी माँ को, और खुद जमुई से खड़ा होते हैं, तो क्या जो उस समय आशा पासवान है जमुई से ही लड़ेंगी या फिर वो शिफ्ट कर जाएंगी हाजीपुर से ही लड़ेंगी या शिफ्ट कर जाएंगी जमुई? देखिए अब ये तो बहुत आगे का सवाल है, इस पर अनुमान भी लगाना अभी ठीक नहीं है, लेकिन जो अंदर की खबर है वो यही है कि नीतीश कुमार के हिटलिस्ट पे 3-4 नेता हैं, चिराग पासवान पहले नंबर पे, टॉप में चिराग पासवान है, आरसीपी सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, जो ये कभी नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार के ये लोग संसद पहुंचे, और इसके लिए फील्डिंग चल रही है। कल ही हमने काराकाट लोकसभा का जो विश्लेषण किया, जो हमने कहा कि लवली आनंद को उतारा जा रहा है, वो क्यों उतारा जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा संसद नहीं पहुंचे क्योंकि नीतीश कुमार को यही लोग डैमेज किए बिहार में। नीतीश कुमार को भाजपा या राजद डैमेज नहीं कर पाया, ना बीजेपी उनका कुछ कर पाया गलत, और ना आरजेडी ही का इतना कुछ हुआ कि आरजेडी उनका छवि खराब कर सके, कुछ नहीं। बोलते रह गए तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी बोलते रह गए, बोल ही रहे हैं, उससे नीतीश कुमार को खासा नुकसान नहीं था। नुकसान हुआ उनको चिराग पासवान से, नुकसान हुआ उनको आरसीपी सिंह से, नुकसान हुआ उनको अभी प्रशांत किशोर से, नुकसान उनको हुआ उपेंद्र कुशवाहा से। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो सवाल था आपका कि जमुई से लड़ेंगे आशा पासवान या हाजीपुर से, अगर हाजीपुर से रीना पासवान लड़े और जमुई से चिराग, गारंटी से तो नहीं लेकिन अनुमान यही है कि आशा पासवान फिर जमुई से लड़े, ये संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बता दें आपको कि नीतीश कुमार जो हैं अपने विरोधियों से हिसाब किताब बराबर रखने में सबसे अव्वल के नेता माने जाते हैं, वो भूलते नहीं हैं। और चिराग पासवान बहुत बड़ा क्षति पहुंचाए 2020 के चुनाव में, जिसके चलते नीतीश कुमार को काफ़ी फजीहत भी झेलनी पड़ती है कि तीसरे नंबर की पार्टी होकर मुख्यमंत्री यह कुर्सी पकड़े हुए हैं। और यही कारण है कि 2020 चुनाव के बाद नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा था बीजेपी को कि मेरे पास सीटों का संख्या कम है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो बहुत बड़ा नुकसान है, और उसी नुकसान की भरपाई नीतीश कुमार 2024 की लोकसभा में करना चाहते हैं, और चिराग पासवान टारगेट पर हैं, उनके गढ़ हाजीपुर में उन्हें घेरने की तैयारी है। और ये भी हो सकता है कि अगर हाजीपुर वो न लड़े चुनाव, जमुई को ही कंटिन्यू करें, तो वहाँ भी घेरने की तैयारी चलेगी, और उसके लिए भी नीतीश कुमार रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, और ये बातें कितनी सही नहीं होती है,
कितना इसमें यथार्थ होता है, और चिराग पासवान जो है वो अर्जुन बनते हैं या अभिमन्यु बनते हैं, ये समय आने पर चुनाव में पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बी आर टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।